हो सकते, अर्थात बच्चे राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, बूढ़े राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी नहीं हो सकते, अभियोग जिन पे चलता है वो नागरिक नहीं हो सकते, तो आखिर फिर कौन राज्य के नागरिक होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे, महान दार्शनिक यूनान के प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है नागरिकता संबंधी सिद्धांत। नागरिकता संबंधी सिद्धांत अर्थात कौन राज्य का नागरिक हो सकता है और कौन राज्य का नागरिक नहीं होगा, इस आधार पर उन्होंने अपना नागरिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता के संबंध में अध्ययन करने के पहले 158 देशों का संविधान भी उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, और इसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और नागरिकता संबंधी जो सिद्धांत दिया उसे अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया आखिर कि कौन राज्य का नागरिक नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, बूढ़े राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, अभियोग चलाया जा रहा है जिस विदेशी पर वो भी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता, स्त्रियों को वो राज्य का नागरिक नहीं मानते, संपत्ति रखने वाले अर्थात व्यापारी जो लोग हैं उन्हें भी वो राज्य का नागरिक नहीं मानते। इसके अलावा जो व्यक्ति राज्य में मात्र निवास करते हैं उसे भी वो नागरिक नहीं मानते। तो फिर क्यों आखिर अरस्तु इन लोगों को नागरिक नहीं मानता, तो उसके पीछे वो लॉजिक देता है कि बच्चे जो हैं मानसिक रूप से जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, अर्थात उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, अर्थात तो उन्हें नागरिक नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार जो बूढ़े होते हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्हें भी हम नागरिक नहीं मान सकते। विदेशी जो होगा व्यक्ति या नागरिक होगा वो कुछ समय के लिए आया है अपने देश में, तो उसे भी आप नागरिक नहीं मान सकते। ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है और उस पर हमारे देश में अभियोग चल रहा है बहुत समय से, उसे भी हम नागरिक नहीं मान सकते। स्त्रियों को वो नागरिक नहीं मानते, क्यों? अरस्तु का ऐसा विचार था कि प्राचीन यूनान में स्त्रियों की जो स्थिति है वो अत्यंत ही खराब थी, वो चार दीवारी तक सीमित थी, इसलिए वह स्त्रियों को भी नागरिक नहीं मानता है। संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को भी वो नागरिक नहीं मानता, इसके पीछे वो लॉजिक देखता है कि संपत्ति अर्जित करने के लिए उसे बहुत श्रम करना पड़ता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति समाज में जो ज़्यादा श्रम करते हैं और श्रमिक वर्ग से या व्यापारिक वर्ग से संबंधित हैं उन्हें भी वो नागरिक नहीं मानता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति ज़्यादा श्रम करता है तो उसके पास अवकाश नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास अवकाश नहीं होता वो नागरिक नहीं हो सकता। अब ये सवाल उठता है कि आखिर राज्य का नागरिक कौन है अरस्तु के अनुसार, जब उसने सभी व्यक्तियों को बोल दिया कि राज्य के नागरिक ये नहीं हो सकते, अर्थात बच्चे राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, बूढ़े राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी नहीं हो सकते, अभियोग जिन पे चलता है वो नागरिक नहीं हो सकते, तो आखिर फिर कौन राज्य के नागरिक होंगे। तो अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति जो व्यवस्थापिका में भाग लेते हैं अर्थात विधान बनाते हैं अर्थात विधायिका में भाग लेते हैं, विधायिका अर्थात जो विधान बनाती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो वे व्यक्ति जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उन्हें ही अरस्तु क्या मानता है, नागरिक मानता है, और ऐसे व्यक्ति जो न्यायपालिका से जुड़े हैं अर्थात जो न्याय करते हैं ऐसे व्यक्तियों को ही क्या मानता है, अरस्तु नागरिक मानता है। या तो या ये वाला जो कैरेक्टर है ये एक व्यक्ति में भी हो सकता है या एक व्यक्ति में दोनों गुण हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में जो कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन व्यक्तियों को ही मात्र अरस्तु नागरिक मानता है और बाकी सब लोगों को वो नागरिकता से वंचित करता है। उसके पीछे जो लॉजिक है वही लॉजिक है कि ऐसे व्यक्ति जिनके वो नागरिकता नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनके पास अवकाश नहीं है। अवकाश का मतलब ये है कि उनके पास काम में वो लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो नीति निर्माण का काम कर सकें, अर्थात नीति निर्माण एक ऐसा काम है जिसमें समय की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है। तो व्यवस्थापिका में जब लोग आएंगे और न्यायपालिका से लोग जुड़ेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के पास अवकाश होना चाहिए,
अवकाश होना चाहिए, अर्थात उनको दूसरे काम नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रम से जुड़े कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई व्यापार नहीं करना चाहिए उन लोगों को। तो दो उसने कैटेगरी बताई, उसने कि अवकाश प्राप्त व्यक्ति और अवकाश विहीन व्यक्ति। तो जो व्यक्ति अवकाश विहीन होगा वो व्यक्ति नागरिकता से वंचित होगा, और जिसके पास अवकाश होगा वो नागरिकता प्राप्त करेगा। इस आधार पर अरस्तु ने अपना नागरिकता का सिद्धांत दिया है। इसकी जो आलोचना है इस आधार पर होती है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों पर लागू नहीं होता। यदि इस सिद्धांत को भारत पर लागू करने का प्रयास किया जाए तो भारत की आबादी लगभग 130 से 135 करोड़ के मध्य है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था की पिगा में भाग लेने वाले जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मिला लो तो 750 सांसद होते हैं, तो वही व्यक्ति 750 पे क्या माने जाएंगे, राज्य के नागरिक माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काम करने वाले जो जज हैं और सेशन कोर्ट में काम करने वाले जो जज हैं वो मान लो 5000 मान लो, तो 5000 जज और 750, ये तो मात्र 1,35,00,000 में से मात्र 750 लोगों को ही 5700 लोगों को ही नागरिकता प्राप्त होगी। तो फिर बड़े लोकतांत्रिक देशों में ये जो नागरिकता का सिद्धांत है वो बहुत ही अतार्किक और अव्यवहारिक है। और देखा जाए कि ऐसे देश जहाँ पर जनसंख्या आदि है वो बात मैंने पिछले वाले पॉइंट में मैंने बताई दी है, और ऐसे देश जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र की व्यवस्था है या कुलीन तंत्र है, उन देशों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सिद्धांत है अरस्तु का ये बहुत ही अतार्किक और अव्यवहारिक है, और बड़े लोकतांत्रिक देशों पर वर्तमान समय में यह सिद्धांत अप्रासंगिक है। तो ये था अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत। मैं अपने अगले वीडियो में और भी जो पश्चिम के जो विचारक हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।